गया इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, जीरोस किसके किसके क्वांटिटी इक्वेशन के, उसकी वैल्यू है 40, तो हमें के बताना है। सो देखो जीरोस यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा और बीटा, ओके। सो बोला जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, इसका रिजल्ट कितना है 40, हमें बताना क्या है, देन व्हाट इज के, ओके। सो सी देखो आप लोग, इसमें से अगर अपन अल्फा और बीटा निकाले तो क्या मिलेगा, सो वी नो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस शुड बी माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, लिख लो माइनस, ऑलरेडी है यहां पे बी का कॉफिशियंट, लिख लो आप कोई दिक्कत नहीं, माइनस एट, और ए का या एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1, तो वो ए की जगह पे आएगा 1, सो ये माइनस माइनस कटा और ये आ गया ए, तो ये हुआ क्या अल्फा प्लस बीटा। अब अपन लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म यहां पे है के और कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा के, समझ में आप। अब देखो इधर दो चीजें मिली हमें, एक मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और एक मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, इसको भी लिख लो आप लोग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। इधर बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, लेकिन आप पूछोगे सर क्यों स्क्वायरिंग हो रहा है, तो स्क्वायरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर स्क्वायर में 40 पता है अपने को, तो इसका यूज करना पड़ेगा। अब इसका यूज तभी हो सकता है जब हमारे पास अल्फा और बीटा स्क्वायर में आए, और आएंगे कब, जब इधर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर एक तरफ कर नहीं सकते, सो बोथ साइड करना पड़ेगा। सो यहां पे आप लिखना बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब ये a प्लस बी पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 8 64, ये हो गया, दिख रहा है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पता है 40, ये ले आओ यहां पे रखो, सो दिस इज 40। अब अल्फा बीटा भी पता है ये k, इसको भी उठा के लाओ यहां पे रखो, सो 2 इंटू के इक्वल टू 64। अब 40 उधर जाएगा तो ये हो गया 2 के इक्वल टू 64 माइनस 40। अब 64 में से 40 गया कितना बचा 24, 24 हो गया। अब 2 से काट दो 24 को 12 टाइम्स में, सो k की वैल्यू आ गई क्या आई 12, समझ में आया।